कहां से आ गया? ये अपनी अपनी ताली बजवा रहे हैं और नेता आ रहे हैं तो वो कहते हैं कि नेताजी के नाम पर ताली बजाओ, लेकिन ये नेता कह रहा है कि अपनी अपनी ताली बजाओ। जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि अब तक हम लोगों ने दूसरों की लड़ाई लड़ा है, इसीलिए हम गरीबी का दंश झेल रहे हैं, अशिक्षा का दंश झेल रहे हैं, अन्याय का दंश झेल रहे हैं। जब तक हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक यह गरीबी समाप्त होने वाली नहीं। इसीलिए मैंने कहा ताली बजा बजा। हमारे बीच में आपके इस ग्राम सभा क्षेत्र से है श्री संतोष गौतम जी। संतोष गौतम जी कहाँ है? संतोष भाई जरा ये संचालन बड़ा अच्छा कर रहे थे। संतोष जी इधर सामने आ जाइए, जोरदार ताली बजा करके संतोष भाई का स्वागत करिए। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। मैं चाहूंगा भैया माला पहना करके आप स्वागत करें कुलदीप जी। संतोष जी का एक बार फिर से ताली बजा के स्वागत करिए भैया का। हमारे बीच में श्री अयूब जी हैं। अयूब जी कहाँ है? कृपया सामने आ जाइए। इनके नाम पर भी ताली बजा के स्वागत करिए। कुलदीप जी माला पहना करके स्वागत करिए इनका। देखिए ताली बजाने में पैसा का नहीं लग रहा है। अच्छा बजे ताली बजाने में रुपया पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है तो फिर चोरी काहे कर रहा है? जो ताली बजाकर स्वागत कर सकता है। हमारे बीच में श्री अजय कुमार भार्गव जी हैं। अजय कुमार भार्गव जी सामने आ जाइए। हमारे बीच में प्रदीप पाल जी हैं। प्रदीप पाल जी कृपया सामने आइए। श्री जसवंत सिंह जी हैं, जिनका इनका नाम मैं लूं, वो लोग सामने आते रहेंगे और कुलदीप जी माला पहनाते रहेंगे और आप लोग ताली बजाते रहेंगे। उन्हीं से हम पूछेंगे, इसलिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए फिर से एक बार। हमारे पार्टी के जनपद लखीमपुर के जिला प्रभारी हैं विजेंद्र भार्गव जी, जोरदार ताली बजाकर के विजेंद्र भाई का स्वागत करिए। अरे कम से कम हमके देख के लाए तो इनके देख के ताली बजाइए सब लोग, इतने मोटे हैं ये और ताली आप धीरे धीरे बजा रहे हैं हम देख रहे हैं। सामने आइए जोरदार ताली बजा के इनका भी स्वागत करिए। श्री शंकर लाल जी हैं हमारे बीच में। शंकर लाल जी हैं, श्री रामनंद मिश्रा जी हैं। श्री रामनंद मिश्रा जी इनके भी नाम पर जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दीजिए। हमारे बीच में नन्हे मौर्या जी हैं। मौर्या जी का सामने आ जाइए। बसंत कुमार जी, मैं जिनका जिनका नाम लूंगा कृपया वो सामने आते रहेंगे। बसंत कुमार जी, रत्न मिश्रा जी, डॉक्टर विनीता राजवंशी जी, खड़े हो जाइए विनीता जी। जोरदार ताली बजाकर विनीता जी का स्वागत करिए। कल हम बिहार जा रहे हैं सासाराम। कल मैं बिहार जा रहा हूँ सासाराम। यहाँ से 7.5 किलोमीटर दूर कल हमारा सासाराम में कार्यक्रम है। राजभर रजवार और राजवंशी सम्मेलन कल है हमारा बिहार। यहाँ से कार्यक्रम समाप्त करके लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ से सीधे भोर में उठ करके बिहार चला जाऊंगा। सासाराम कार्यक्रम करके फिर मैं भाग जाऊंगा लखनऊ, क्योंकि उसके बाद फरुखाबाद में कार्यक्रम है। ये रहा आज के बीच के कुछ सज्जन थे जिनका मैंने स्वागत कराया और उम्मीद करता हूं कि दल के विचारधारा जो मैं बात बताऊंगा उस पर आप सहमति देंगे कि आखिर आज आपके गांव में मुझे आने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, मैं क्या चाहता हूं, ये जो सुहेल भारतीय समाज पार्टी है ये कौन सी लड़ाई लड़ रही है, माने ओम प्रकाश राजभर डॉक्टर अरविंद राजभर ने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दे दिया, आगे हम क्या करने वाले हैं, हम आपके लिए क्या करेंगे, हम बच्चों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, क्षेत्र का विकास कैसे होगा, इन सारे बातों पर हम चर्चा करने का काम करेंगे। समय बहुत ज्यादा हो गया है, फिर भी कम शब्दों में हम बहुत ज्यादा आपको बताने का कार्य करेंगे। हमारे बीच में जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है श्री कुलदीप राज जी। कहाँ है कुलदीप राज जी? कुलदीप राज जी कहीं दिख रहे हैं आप लोगों को? कहाँ दिख रहे हैं? जरा इशारा करें, वो है किधर? यही है। कितने लोग पहचान रहे हैं? जरा हाथ खाइए लोग, सब लोग पहचान रहे हैं। तो कुलदीप जी का साथ आप लोग देंगे कि नहीं देंगे? जैसे जो लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग बनारस से, आज बनारस यूपी छोड़िए पूरे देश में माने ओम प्रकाश राजभर के नाम का डंका बजा हुआ है कि दुनिया में अन्याय अत्याचार और के खिलाफ
जी को मैं आपके सीतापुर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने के मूड में हूँ आज। मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों की इच्छा हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की इच्छा अगर हो तो कुलदीप जी को पूरे सीतापुर की जिम्मेदारी दिया जाए। ऐसे कहा जाए कि जाकर के लोगों को जगाइए, लोगों को बताइए कि बहुत हो गया आगे पीछे घूमना, अब हम लोग अपने नेतृत्व करेंगे, अपने लड़ाई लड़ जाएंगे, अब किसी के चक्कर में पड़ने वाले हम लोग नहीं है। तो कुलदीप भाई को जिम्मेदारी दे दिया जाए, कुलदीप भाई को जो जिम्मेदारी देंगे, कुलदीप भाई को वो जिम्मेदारी निभानी भी होगी। ये जिम्मेदारी अपने लिए नहीं निभानी है, ये जिम्मेदारी आने वाले भविष्य के लिए है, आने वाले नस्लों के लिए है, आने वाली दुर्व्यवस्था को बदलने के व्यवस्था करने की है, आने वाले जो वर्तमान शिक्षा का दौर हो रहा गुजर रहा है उसको बदल करके शिक्षा की बात करनी है, ताकि इन सारी चीजों को लेकर के आज कुलदीप जी को हम राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राज पर अपनी कलम से कुलदीप राज जी को आपके सीतापुर जनपद का जिला अध्यक्ष मनोनीत कर रहा हूं। मैं चाहूंगा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सावधानी शक्ति सिंह जी कृपया आपको नियुक्ति पत्र दे दीजिए। माला गांव था तो कहें कि लगता है कहीं मारपीट हो गई है, कहा कि पुलिस जा रही है दो गाड़ी। तो हमने सर से कहा कि सर ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कहां जा रहे हैं। तो हमने कहा कि ये वो दौर याद आ रहा है जब उत्तर प्रदेश में जब गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार होता था, या किसी के घर में जब चोरी होती थी, कहीं डाका पड़ता था, कहीं हत्या होती थी तो हत्या कोई और करता था, पकड़ के गरीब जाया करता था थाने पर। जब से वो विकास कार्य बनाया है और जब से वो पीए झंडा आया है, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बदल गई है। जो अन्याय कर रहा है थाने में उसी को पकड़ देने जा रहा है, निर्दोष किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर ये बात किसी व्यक्ति किसी निर्दोष को अगर थाने में पहुंचाया जा रहा है तो होम विकास आयोग का सीधा निर्देश है कि अगर किसी निर्दोष के साथ अन्याय और अत्याचार होता है तो सीधे थाने का घेराव किया जाएगा और थाने का घेराव करके उनको बताया जाएगा ये गरीब अकेले नहीं है, हर गरीब के साथ होम विकास राजभर जैसा शेर घटा हुआ है। इसको पीछे नहीं, आज मैं थोड़ी सी ताकत लेकर के यहाँ के बीच में आया हूँ, कल मैं फिर आऊंगा, परसों फिर मैं आऊंगा, बीच में आपके आता जाता रहूंगा, लेकिन मेरा आग्रह आपसे होगा, आप बताओ अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं इसमें आप लोग हम लोगों का साथ देंगे कि नहीं देंगे? जो अशिक्षा के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं क्या इसमें आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? साथियों आप एक संकल्प और लीजिए, आधी रोटी खाइए। आज साथियों हमको आपको कहा जाता है ये गरीब बेचारा कहां जाएगा? आप बताओ उत्तर प्रदेश की सिस्टम है, आपके गांव के अगल बगल में प्राइमरी विद्यालय होगा, आप जरा हमारे प्राइमरी विद्यालय पर जाकर के देखो लड़ाई किस बात की है। लड़ाई सिर्फ एक बात की है, एक लाइन की है, इस देश में अगर हमारे हरी तो हम अनु के हक हिस्सा अधिकार हम अनु के रोजी रोजगार मिलना चाहिए, यही लड़ाई हमारी अधिकार है। साथियों जाति दूर की बात है, ओम प्रकाश राजभर राजभर जाति का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ राजभर की बात करता है, नहीं, ओम प्रकाश राजभर गरीबों की बात करता है, जो सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक आर्थिक आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े और पिछड़े गए लोग हैं ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ने का कार्य करता है। इसीलिए तो सरकार में
उत्तर प्रदेश में एक एक दोहरी व्यवस्था चलती है, एक आप बताइए यहाँ पर वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, कितने लोग वोट देते हैं जरा हाथ उठाइए, सभी लोग वोट देते हैं। जब आप वोट देने जाते हैं बहुत ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है, जब आप बूथ पर वोट देने जाते हैं तो वहां वोट दिलवाने के लिए जो अधिकारी कर्मचारी आता है बताइए वो बिना पैसा लिए आता है कि पैसा लेकर के आता है, उसको पैसा मिलता है ना कि भैया सैलरी तुम्हारी होगी तुम जाके लोगों का वोट दिलवाओ, जो नेता आज के बीच में वोट मांगने आता है, एक विधायक की तनख्वाह 1,00,000 रुपया हो गई, एक सांसद की तनख्वाह 2,00,000 से ऊपर, जब मैं मंत्री था तो 2,50,000 रुपया महीना पाता था, अब बताइए हम कौन काम करते थे कि 2,50,000 रुपया हमके मिल रहे हैं, हम लोगों ने इसका विरोध किया, हमने कहा कि मंत्री जरूर हूं लेकिन हमको तनख्वाह नहीं चाहिए, ये जो 2,50,000 रुपया मेरे नाम पर तुम दे रहे हो ये 2,50,000 रुपया का कलेक्शन करो और 2,50,000 रुपया से गरीब के बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था करो, हमको सैलरी की आवश्यकता नहीं है। आप बताओ ओम विकास राजभर जी एक लाइन बोलते हैं, अगर इस देश में हमारे यहाँ के वोट के दम पर अगर नेताओं को तनख्वाह मिलता है, हमारे यहाँ के वोट के दम पर अगर अधिकारियों को तनख्वाह मिलता है, तो ओम विकास राजभर जी कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के समानता का अधिकार देता है, उत्तर प्रदेश और देश में जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया जिसकी उम्र 18 साल हो गई, हर मतदाता को चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर मतदाता को मतदाता पेंशन के नाम पर 12,000 रुपया महीना मिलना चाहिए, तो साथियों ये लड़ाई ओम प्रकाश राज की लड़ाई है, और नहीं तो अगर हमारे यहाँ के वोट के दम पर नेताओं को तनख्वाह मिलता है, अगर हमको पेंशन नहीं मिलेगा तो नेताओं और विधायक सांसद मंत्रियों की तनख्वाह बंद होनी चाहिए क्योंकि उनको उसकी आवश्यकता नहीं है। बताइए सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, जो बोले सही है कि गलत है, तो सही का साथ देंगे कि गलत का साथ देंगे, कितने लोग सही का साथ देंगे जरा हाथ उठाइए, हाथ नीचे करिए, दोहरी व्यवस्था एक और सुन लीजिए, आपके गांव में 5 करोड़ रुपया मिलत है दवाई वाला, वो माल कहाँ जाता है पता है कहाँ जाता है, वो सारा माल विधायक जी के खाते में जाता है और जनता परेशान था, इसीलिए हम लोग आज आपके बीच में आए हैं कि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, अगर ये देश में हम लोग हैं तो जो मेरा अधिकार है मुझे मिलना चाहिए, इसलिए साथियों हम लोग आज आपके बीच में आकर ये बात आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, सही रहेगी बात सही रहेगी, लड़ाई लड़ जाए कि धड़ छोड़ के घर चले जाए, लड़ाई लड़ जाए तो कितने लोग हमारे साथ रहेंगे जरा हाथ उठाइए, संगठन में आप लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे हाथ नीचे करिए, अगर हम यह कहें कि 3 साल खातिर 10 रुपया खाली तोहफे ले कितना, जोर से बोला कितना, 10 रुपया 3 साल खातिर सदस्य बनावे के, तो 10 रुपया कितना लोग न देगा, अब 10 रुपया कितना लोग दे दे कैसे हाथ होगा, 10 रुपया कितना लोग दे देगा, दे देगा एक तरह से दिया जाए ना भैया, ये रसीद और सदस्य बने वाले अगर साथ देवा हमारा तो ये रसीद से साथ देवे क्या, इसे नहीं ऊटे का चोरी निवड़े निवड़े ना हुई भाई, 10 रुपया का सदस्य बनिए 3 साल के लिए, इस रसीद से एक काम और किया जा रहा है, ये रसीद 1,000 रुपया का है, जब ये रसीद कटता है तो 600 रुपया तू रख ले 400 रुपया पार्टी में चल जाए फिर रसीद छापे खाते, अब सोच लीजिए अगर एक दिन में एक रसीद काटते हैं 600 रुपया आपको मिल जा रहा है और 30 दिन में 30 रसीद काट देंगे तो सोच लीजिए कितना रुपया आपको मिल गया, चाप के पार्टी का काम करिए, अपने बच्चे का फीस दे दीजिए, अपने बच्चे की दवाई करिए और पार्टी का झंडा लेकर के गांव गांव में घूमते रहिए, बस यही काम आपको करना है, यही अलग जगाना है, एक देश में अगर हमारे हरी तो हमारों को हिस्सा मिलेंगे, बताओ ठीक रही कि ना ठीक रही, ठीक रही ना, तो अगली बार फिर बुलाएंगे आप लोग हमको, कितने लोग बुलाएंगे हमको फिर, देखा ही बारिश भगवानों का हाथ हमारे रुका ऐसे हम ठंडा कर दी लोगन के, बारिश का समय है और बारिश होने वाला भी है, लेकिन हमारा आग्रह है ये जितनी बात मैंने बताया है बतावा ये बात सही है कि गलत है, लड़ाई लड़ाई जाए कि ना लड़ाई जाए, इसी बात को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप सभी लोग साथ दीजिए हम लोगों का, और सीतापुर में भी
अभी अकेले हम आए होते, अकेले सही कुर्ता पैजामा पहन के हम आ गए होते कि कोनो खेते में खड़ा होकर के यह कुछ बात बोलते, तो आप लोग क्या कहते हैं? भाग रहे कोनो पागल आगल बताओ, ये ना कहते हैं आप सभी लोग पागल घोषित कर रहे थे। लेकिन आज इतने लोग हम लोग हैं, आज यहाँ पर दरोगा जी भी आए हुए हैं, आपके थाने से लोग भी आए हुए हैं कि चलिए नेताजी गांव में जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा रक्षा बहुत जरूरी है। अगर वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी कर्तव्य है कि मैं आप लोगों की सुरक्षा करूं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और सुरक्षित रह करके पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी जाए और आगे बढ़ करके अपने बच्चे का भविष्य बदला जाए। साथियों यही सब छोटी छोटी बातें हैं, तो बताओ सही का साथ देवे कि झूठ का? सही का साथ देवाई कि झूठ का साथ देवाई? कितना लोग सही का साथ देवा देते हाथ हवा? तो बताओ पार्टी का प्रचार हुई कि ना हुई? कितना लोग प्रचार करवा देते हाथ हवा? अब हाथ नीचे करो, एक पार्टी में पदाधिकारी के बनी अब हाथ हवा, और सही पार्टी पदाधिकारी के बनी अब हाथ हवा। देखिए क्या नाम है, कुलदीप भाई, सब नौजवानों को पदाधिकारी बनाइए, माताओं